हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। एक और नया दिन, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज। वैसे दोनों ब्लॉग एक साथ बना दिए थे मैंने, अपलोड अलग अलग करूंगा, ठीक है? जो ये वाला ब्लॉग बना रहा हूँ ये संडे को आएगा, ओके? और जो मैंने अभी रिसेंटली ब्लॉग बनाया था वो आप आज रात को देख लोगे। तो भाई, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। अभी मैं कंपेयर नहीं करने वाला कोई भी, मैं आपको दिखाऊंगा मॉडिफाइड R15 वर्जन 4.0। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट करे बाइक की तरफ चलते हैं, वॉक अराउंड करेंगे, ए टू जेड सारी डिटेल बताएंगे आपको, जो इनके ओनर हैं उनसे ही मिलाएंगे। तो आओ। सो फ्रेंड्स, सामने खड़ी अपनी बीस्ट, और बहुत डिमांडिंग बाइक है यार। मतलब यार, कोई भी अगर स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहता है ना, और वैसे भी आजकल अगर किसी के माइंड में स्पोर्ट्स बाइक चलती है और वो स्टार्टिंग लाइन पे लेना चाहता है, तो वो R15 के पास ही आता है। RS वगैरह तो वो बहुत कम देखता है, ठीक है? पीछे वगैरह स्टैंड वगैरह चल रहे हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जो ये वाली बाइक है वॉक अराउंड आप लोगों को मैंने दिखा दिया, ठीक है? अब फ्रंट से बात करो, देखो ये वर्जन 4 है, वर्जन 2 भी थी, 3 भी थी, पर जो ये वाला लुक है ना वो एक नेक्स्ट लेवल लुक है। फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में एक तो ये ग्लॉसी रेड कलर है, ठीक है, ग्लॉसी ब्लैक के साथ। इसके यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये देखो ग्लॉसी ब्लैक R15 की बैचिंग मिल जाती है। मिरर्स इस तरीके के मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्टर मिल जाता है, ये DRS मिल जाते हैं जो भाई ने कस्टमाइज करा रखे हैं। यहाँ पे ये रेड है और ये शायद है ब्लू। उसके बाद ये भाई से पूछेंगे इसे क्या बोलते हैं। ओके, अब इधर साइड प्रोफाइल की तरफ आ जाओ। साइड प्रोफाइल से पहले बाइक को देखो, इशार उधर जाओ तुम सब, ठीक है? साइड प्रोफाइल से आपने बाइक देख ली। उसके बाद टायर की प्रोफाइल की बात करें तो टायर इसमें मिलता है MRF का 180/17 सेक्शन। इसका फ्रंट में इसके शॉकर इस तरीके के हैं जैसे हमारे RR में है। उसके बाद मडगार्ड कुछ इस तरीके का है। इसका डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं गाड़ी में। इंडिकेटर्स नॉर्मल मिलते हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा कि यार अब 2023 में आ चुके हैं हम, तो LED इंडिकेटर्स उसमें भी देने चाहिए। जो नया वाला वेरिएंट आ रखा है जिसमें TFT वाली डिस्प्ले दे रखी है, उन्होंने पूरी अच्छी वाली, उसमें आप उसमें LED इंडिकेटर्स दे रखे हैं, पर वो सिर्फ एक ही कलर में, ब्लू वाले में, वो और कलर्स में नहीं है। पर मेरे को लगता है और कलर्स में भी वो सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए जब आप इतने पैसे ले रहे हो, क्योंकि 150 cc के सेगमेंट में सबसे महंगी बाइक है ये फेयरिंग में। ओके, यहाँ पे फेयरिंग मिल जाती है आपको ये ग्लॉसी ब्लैक और ग्लॉसी रेड के साथ, R15 वर्जन 4.0, बहुत अच्छा। उसके बाद साइड से बात करें तो साइड से आप देख सकते हो ये नीचे यामा की बैचिंग मिल जाती है आपको। ये एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट लगा रखा है भाई ने, जिसके साउंड बहुत नेक्स्ट लेवल है। उसके बाद पीछे वाले की टायर की बात करो तो 140/70 R17 पीछे वाले टायर की प्रोफाइल है। ये स्टॉक है, पीछे भी आपको ABS मिल जाते हैं, डुअल चैनल ABS मिलता है गाड़ी में। उसके बाद पीछे की बात करो तो पीछे से भाई ने मडगार्ड हटा रखा है, ये देख लो, वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन, ये देख लो VVA। ओके, ये इस इंजन में ये सारी फेस्को है, ठीक है? पीछे की लाइट देखो, पीछे की लाइट आपको इसमें मिलती है LED, और पीछे का लुक देखो कितना तगड़ा है। मतलब यार, जब नई नई ये लॉन्च हुई थी ना, तो यार इसे देख के ऐसा लगता था यार भाई क्या ही बाइक बना दी यामा ने। इंजन इतना रिफाइंड है इसका, रिफाइंड बहुत इंजन, मतलब बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मतलब जितनी तारीफ कर लो इसके इंजन की उतनी कम है। मतलब एग्जॉस्ट लगाने के बाद मुझे लगता है इसमें 1% भी फर्क पड़ा होगा इसके इंजन में, और ना पड़ेगा। यामा अलग ही है, अनबीट। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं, मैं आपको बता रहा था यामा जो R15 बनाई थी, R15 की पहले से ही एक नेक्स्ट लेवल तरीके की फैन फॉलोइंग है। मतलब पहले भी उसकी फैन फॉलोइंग तगड़ी थी और आज भी उसकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है, ठीक है? उसके बाद करता हूँ मैं इसके टैंक की बात। तो टैंक इस पर कितने लीटर का मिलता है? टैंक इसका कितने लीटर का है भाई? 12 लीटर का इस पर टैंक मिलता है। और भाई, ये 150 cc के सेगमेंट में पहली ऐसी बाइक है जो आपको 40 से 50 तक के एवरेज आराम से दे देती है। समीर का जो ब्लॉग मैंने डाला था आप लोगों ने देखा होगा, उस पर इससे पुराना वाला वर्जन है। ओके, उसके बाद मैंने आपको सब कुछ बता दिया। TFT डिस्प्ले की बात करें तो आ जाओ, इसकी डिस्प्ले दिखाता हूँ आपको, जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आ जाओ। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे आप देख रहे हो, ये फ्यूल का हो गया हमारा, ये RPM हो गया, ये हमारा गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स हो गया, ये कॉलिंग फीचर्स वगैरह आपको सब मिल जाते हैं इसमें। यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट, मतलब ये कनेक्ट हो जाता है आपके ब्लूटूथ से, तो इसमें काफ़ी अच्छा फीचर्स है, बहुत अच्छी बात है। हैंडल क्लिप ऑन बार मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे आपको किल स्विच मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ये हमारा हैजार्ड बटन का, ये बाइक, ये सारी बातें हो गई। उसके बाद मैंने आपको सब बताते हैं, इंजन की बात करें तो इसमें आता है 155.5 cc का इसमें इंजन आता है, सिंगल सिलेंडर, जो हमें पावर देता है 19.5 BHP की, 19.5 PS की पावर। ओके, बाकी बाइक वैल्यू फॉर मनी है फुल। अब बात करते हैं ओनर से। ओनर जी आ जाइए, हेलमेट दे दीजिए इधर, आप आ जाइए। तो ओनर जी कैसे हो, नाम बताओ अपना। गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत नाम है भाई का। तो भाई से पूछेंगे पहली बात तो R5 ही क्यों आपने चूज करी? शौक था हमारा, शौक मतलब कोई और, मतलब आपने जब ये दी, आप जिसका आपने ऑन रोड प्राइस दिया वो कितना दिया है? ऑन रोड 70,000।
नहीं मतलब ऑन रोड कितने की पड़ती है? अच्छा, ऑन रोड है 220 की। 220 की है। अब आप 220 की लेने गए थे तो आपने, आपके दिमाग में आर एस भी होगी होगी, तो आपने यही क्यों परचेस करी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आर एस क्यों नहीं ली, कोई और बाइक क्यों नहीं ली फेयरिंग में? शौक, मतलब आर एन फाइव की फैन फॉलोइंग आपको तगड़ी वाली दिया, मतलब आप आर एन फाइव के फैन थे बहुत तगड़े। ओके, कितना टाइम हो गया बाइक? चार महीने हो गए और ये चल चुके 9834 किलोमीटर। अभी तक बाइक में कोई दिक्कत आई नहीं? बस सर्विस हो गई है। कैसा था वहाँ का एक्सपीरियंस? सही था, अच्छी तरीके से सर्विस करी उन्होंने? कोई उनका बर्ताव, कोई गलत बर्ताव ऐसा कुछ? मतलब प्यार से हर चीज़ हो रही थी ना, कोई ऐसे मकाशत तो नहीं करनी पड़ी वहाँ जाने में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आपने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखी है ये बताओ? मॉडिफिकेशन की टेपिंग करवा रखी है एक तो फुल। ओके, आगे से वाइजर चेंज। ठीक है, बस और पीछे से, और पीछे का जो आपने मडगार्ड डाल रखा है, टायर स्टॉक ही था या आफ्टर मार्केट आपने लगवा रखा है? नहीं, वो स्टॉक, ये स्टॉक ही है। ठीक है, अब एवरेज की बात करते हैं। एवरेज क्या दे रही है बाइक अभी प्रेजेंट में? 40 का दे रही है, मतलब सेटिस्फाई होगा? बिल्कुल, क्योंकि पावर भी है, एवरेज भी बढ़िया है। ब्रेकिंग कैसी है बाइक की? ब्रेकिंग बस वो ABS ठीक ही है, मतलब ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं बोल सकते ना। ठीक है, ओके। और जो इसका TFT डिस्प्ले, आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें थोड़े और फीचर्स ऐड होने चाहिए थे? फीचर्स तो जिस मतलब जिस बजट में आता है उस बजट में आप खुश हो? ओके, TCS इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, फायदा है सब कुछ या ऐसे ही है? बहुत फायदा है, होता है मतलब बचाता है स्लिप होने से टायर को? जब ट्रैक्शन खोरी होती है बाइक तो मतलब कंट्रोल कर लेता है। ओके, ये हो गया, तो मतलब आप खुश हो इस बाइक से ना? बिल्कुल। आप अगर पब्लिक ये बोलना चाहे आने वाले टाइम में वो R15 लेने की सोच रहे हो तो ले लेने चाहिए ना उन्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ले ले वो बाद में कोई दिक्कत फेस करनी पड़ रही, तो मतलब लेके कोई सब बढ़िया, सब सेटिस्फाई हो? बिल्कुल। ओके, तो प्राउड ओनर थे अपने गुरप्रीत सिंह जी, इनने बताया हमें सब कुछ। और काफी भाई ये राइडर काफी तगड़े वाले हैं, तो इन्हें ये भी सेकंड व्हील बाइक के मतलब ये है कि ये बाइक को खींच के चलाते हैं, एक तो चलाता है बाइक को आराम आराम से और फिर चलाते हैं थोड़ा रेव करके, पर ये है बिल्कुल खींचने वाले भाई। तो यार R15 वैल्यू फॉर मनी तो नहीं कहूंगा, 2,20,000 जब मैं पता करने गया था, उसका नया वाला मॉडल आ रखा है वो 2,45,000-50,000 की एयरफेयर का। वैल्यू फॉर मनी तो नहीं कहूंगा, पर ये है कि R15 अगर किसी को बहुत ज्यादा पसंद है, और ऑब्वियसली पसंद होगी भी क्योंकि यार इसकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है, तो ले सकता है। पर एक बार RS को भी जाके देख लेना, क्योंकि RS में पावर बहुत तगड़ी है, उसकी पावर का भी कोई मुकाबला नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखो अपना भी, अपनी फैमिली वालों का भी। बाय।